वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट SST जो सोशल स्टडी है, उसका पार्ट 6 जो राजनीतिक पार्ट्स है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा, उसमें कि सत्ता की साझेदारी में हम दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज सत्ता की साझेदारी का भाग नंबर 3 के ऊपर अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी जो भाग नंबर जो 3 है, इससे पहले इस चैप्टर में हमने दो वीडियो जो पढ़ी, सबसे पहले सत्ता की साझेदारी में जाति संरचना थी कि जो हमारे दो जो कंट्री हैं, श्रीलंका और जो बेल्जियम है, उसमें कौन कौन से भाषा के आधार पर वहां जाति निवास करती है, उसकी संरचना कैसे है। उसके बाद में वीडियो नंबर 2 में हमने पढ़ा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, कि श्रीलंका में किसकी मेजोरिटी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज का जो हमारा प्रकरण है जिसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वे हमारा बेल्जियम की समझदारी, कि जो एक बेल्जियम जो देश है यूरोपीय जो कंट्री का, उसमें जो बेल्जियम है उसने क्या ऐसी समझदारी की जिसने श्रीलंका में वे समझदारी नहीं की। तो आज के हम टॉपिक में, आज का जो हमारा प्रकरण है सत्ता की साझेदारी का, उसका हमारा टॉपिक रहेगा कि बेल्जियम की समझदारी, कि बेल्जियम ने अपने देश को टुकड़े होने से या विखंडित होने से बचा लिया और उसने समझदारी का काम किया। ऐसे बेल्जियम के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे हम कह सकते हैं कि बेल्जियम ने एक समझदारी का काम किया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका CBSE एग्जाम में भी आता है, जब बोर्ड का जब एग्जाम हो जाता है तो बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बेल्जियम के द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे वहां की जो शासन व्यवस्था या देश को विखंडित होने से बचा लिया गया या देश के टुकड़े होने से बचा लिया। बेल्जियम के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो एक देश के हित में बड़े ही सराहनीय काम थे, जिससे बेल्जियम का टुकड़ा होने से बचाया गया और बेल्जियम को एक हम लोकतांत्रिक देश के श्रेणी में हम उसको इनके मानने लगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि उन टॉपिक्स के ऊपर जो बेल्जियम ने अपने देश को बचाया और बेल्जियम ने देश को टुकड़े होने से बचाया और कौन कौन से बेल्जियम ने अपने कदम उठाए। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेल्जियम ने जो कदम उठाए उससे पहले की भूमिका, कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। सबसे पहले देखते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पावर शेयरिंग, अगर हम इंग्लिश में उसको कहते हैं पावर शेयरिंग, कि पावर को शेयर करना यानी बांटना या साझेदारी करना, तो उसके अंदर दो कंट्री है हमारे, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम के नेताओं ने, जो भी बेल्जियम के नेता थे, श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया, क्योंकि श्रीलंका ने, क्योंकि आपने पढ़ा कि श्रीलंका के अंदर दो जो आपके मुख्य रूप से भाषा बोलने वाले लोग थे, एक तो सिनाला थे जो सिनाला लैंग्वेज बोलते थे और एक तमिल थे जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और श्रीलंका में तमिल भी दो थे, एक भारतीय मूल के तमिल जो भारतीय मूल के लोग जाकर वहां पर तमिलनाडु में बस गए थे या तो बागाना में काम करने के लिए या मजदूरी के लिए, और दूसरे जो नेटिव तमिल थे, जो आपके नेटिव जो श्रीलंका थे
जो श्रीलंका मूल के तमिल थे वे वहां पर रहने थे। तो वहां पर दो समुदाय में था, लेकिन वहां पर जो सिन्हाला जात को अधिक प्रमोट किया और यहाँ पर बेल्जियम ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो बेल्जियम के नेताओं ने बड़े सूझबूझ से, समझदारी से, ईमानदारी से, बड़े विवेक से अपना काम लिया और उसने श्रीलंका के जो नेताओं ने जो रास्ता बनाया था उससे अलग हटकर अपनाया। क्या किया? सर्वप्रथम अपने संविधान में चार बार संशोधन किया 1970 से लेकर 1993 तक। इस समय में 1970 से लेकर और 1993 के बीच में बेल्जियम के जो नेता थे, जो बड़े बुद्धिमान थे, विवेकी थे, उसने अपने संविधान में चार बार संशोधन किया। कितनी बार किया? 4 times। चार बार उसने अपने संविधान में संशोधन किया। क्यों संशोधन किया ये चार बार? उसने इसलिए संशोधन किया कि क्योंकि बेल्जियम में विभिन्न धर्म, संस्कृति और भाषा के लोग निवास करते हैं। अगर हम किसी एक धर्म को, एक संस्कृति को या एक भाषा को या किसी एक हम समुदाय को या कम्युनिटी को अगर हम प्रमोट करेंगे या उसको हम संरक्षण प्रदान करेंगे तो दूसरे लोग उससे नाराज होंगे। क्या होंगे? नाराज होंगे। और जब दूसरे लोग नाराज होंगे तो देश में अशांति होगी और अशांति होगी तो युद्ध होगा और युद्ध होगा तो देश का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए उसने अपने देश को बचाने के लिए सभी संस्कृति, धर्म, भाषा और समुदाय को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उसने अपने संविधान में चार बार संशोधन किया, जबकि श्रीलंका ने ऐसा संशोधन नहीं किया था। इसलिए कह रहे हैं कि श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। अगर श्रीलंका के लोग अपना संविधान में संशोधन कर लेते और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते, मान सम्मान करते तो देश में ऐसा विभाजन नहीं होता जैसा आपने पहले अध्ययन किया है। तो क्या क्या उसके फैक्टर से, क्या क्या उसने काम किए जो देश में उसने अपने बचाने के लिए कौन कौन से कदम किए, आइए उनके कुछ ऐसे चार कदम उसने उठाए। बेल्जियम के सरकार ने, बेल्जियम के सिटीजन्स ने कौन कौन से कदम उठाए, ये चार हमारे स्टेप्स हैं, कदम है। नंबर 1 है केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। विशेष कानून निर्माण दोनों की सहमति से बनेगा। सबसे जो फर्स्ट कदम उठाया गया, सबसे पहले जो कदम उठाया गया ये था केंद्र सरकार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? केंद्र सरकार का निर्माण होगा। जैसे हमारे भारत देश में अगर केंद्र सरकार है तो हम उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। जो भारत सरकार है उसे ही हम केंद्र सरकार कहते हैं। तो ऐसे ने कहा कि एक केंद्र सरकार का निर्माण होगा और उस केंद्र सरकार के निर्माण में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। क्यों? जैसा कि आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं, बैक वीडियो में लेके जा रहा हूं, जब आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जाति संरचना में, तो बेल्जियम के अंदर डच लोगों की संख्या अधिक है लेकिन वैसे गरीब है, फ्रेंच भाषा लोगों की संख्या कम है लेकिन वे धनवान है। लेकिन अगर पूरे हम बेल्जियम देश में देखते हैं, पूरे होल कंट्री बेल्जियम में हम देखते हैं तो वहां पर डच लोगों की संख्या अधिक है, डच मेजोरिटी में। लेकिन यही कंडीशन अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में देखते हैं, बेल्जियम की जो राजधानी जो है ब्रसेल्स में अगर देखते हैं तो वहां पर फ्रेंच भाषाओं की संख्या अधिक है और डच की कम है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है, जो ब्रसेल्स है, उसमें फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या अधिक है,
तो हम कह सकते हैं कि बेल्जियम की जो राजधानी ब्रसल्स है वहां पर मेजोरिटी जो है ये फ्रेंच लोगों की है, लेकिन पूरे देश में देखते हैं बेल्जियम में तो वहां पर सबसे अधिक जो बहुसंख्यकवाद है वे डच लोगों की। लेकिन यहाँ दोनों ने एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया, एक सहमति की, क्या कि अगर केंद्र सरकार बनेगी, केंद्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो उसमें मंत्री होंगे और मंत्रियों की संख्या दोनों समुदाय दोनों भाषा अर्थात डच लोग और फ्रेंच भाषाई लोगों की मंत्रियों की संख्या समान होगी। जैसे मान लीजिए अगर वहां पर 50 मंत्री बनते हैं, 50 मंत्री बनेंगे तो 25 मंत्री बनेंगे डच भाषा के और 25 मंत्री बनेंगे आपके फ्रेंच भाषा के, तो समान भाषा होगी। ये उसने नियम ऐसा बनाया, और जब ऐसा नियम अपनाया तो निश्चित रूप से जब किसी व्यक्ति को हम समान प्रतिनिधित्व देंगे, समान मान सम्मान करेंगे, तो वहां कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। और ऐसे किया कि डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की समान समान होगी। और साथ में क्या होगा, अगर कोई विशेष और बता रहा है कि विशेष कानून निर्माण में दोनों की सहमति से बनेगा, ये तो मंत्रियों की संख्या तो समान है कि केंद्र सरकार में एक सरकार होगी जिसमें जो मंत्री बनेंगे वे मंत्री डच भाषा लोग और फ्रेंच भाषा लोगों की मंत्रियों की संख्या समान होगी, समान प्रतिनिधित्व होगा, समान अधिकार होगा। लेकिन अगर विशेष कानून निर्माण, ये तो दिया गया साथ में विशेष कानून का निर्माण किया जाएगा तो दोनों की सहमति भी समानी होगी। ये नहीं है कि कोई विशेष कानून का निर्माण किया जा रहा है और जिसमें डच भाषा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और फ्रेंच भाषा को नहीं, या फ्रेंच भाषा को प्रतिनिधित्व दिया गया है और डच को, डच भाषा को नहीं, ऐसा नहीं होगा। विशेष कानून निर्माण में भी दोनों की सहमति समान होगी, सहमति से ही बनेगा। दोनों की कौन सी है, डच भाषा और फ्रेंच, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हुआ उसका पहला कदम, प्रथम कदम हुआ कि केंद्र सरकार का निर्माण होगा, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा लोगों की मंत्रियों की संख्या समान होगी, कोई विशेष कानून का निर्माण किया जाएगा तो विशेष कानून के निर्माण में दोनों भाषाई लोगों को समान प्रतिनिधित्व होगा, उनकी दोनों की सहमति के माध्यम से ही कोई नया कानून का निर्माण किया जाएगा, क्लियर। ये उसका पहला कदम था। अब है दूसरा कदम, राज्य या क्षेत्रीय सरकार, राज्य या क्षेत्र सरकार जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे हमारे भारत देश में एक केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार को हम भारत सरकार बोलते हैं। दूसरे हमारे राज्यों की सरकार है, जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार अलग है, पंजाब में पंजाब की, हरियाणा में हरियाणा की, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की, उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जहाँ का जो राजनीतिक जो अधिकारी या मुख्य होता है वे सीएम होता है, कौन होता है, सीएम होता है, मुख्यमंत्री। ऐसे ही बेल्जियम ने अपने देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उसने कानून बनाया वे था राज्य सरकार या क्षेत्र सरकार का निर्माण करेंगे, और उस क्षेत्र सरकार में क्या होगा, क्षेत्र सरकार स्वतंत्र होगी। कैसी होगी, उस क्षेत्र में उस रीजनल में जो सरकार बनेगी वे क्या होगी, स्वतंत्र होगी, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, जो केंद्र सरकार है उसके अधीन नहीं होगी, नहीं है, नहीं, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। ये नहीं है कि राज्य सरकार तो बना दिया या क्षेत्र सरकार बना दिए लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर हम क्षेत्र सरकार बना दिया, राज्य सरकार का निर्माण कर दिया तो भी अपने आप में
बिल्कुल स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर केंद्र सरकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, वे कोई भी निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगी। और क्या होगा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों अर्थात क्षेत्र सरकारों में होगी। कहने का अर्थ यह है कि जो केंद्र के पास में जो शक्तियां हैं, चाहे वे कार्यपालिका शक्ति हो, चाहे वे वैधानिक शक्तियां हो आपकी, चाहे न्याय से संबंधित शक्ति हो, वे शक्तियां केंद्र सरकार अपनी जो शक्ति है राज्य सरकार को प्रदान करेगी और उन शक्तियों को वे वापस नहीं लेगी। उन शक्तियों के प्रति वे वहां की जो राज्य सरकार, ये जो क्षेत्र सरकार है, वे स्वतंत्र होगी। किस प्रकार से स्वतंत्र होगी, उसमें किसी प्रकार से केंद्र का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिक्षा के संबंधित है एजुकेशन से, तो केंद्र सरकार ने शिक्षा की जो शक्ति है जो राज्य सरकार को प्रदान कर दी। अब राज्य सरकार अपने राज्य के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार शिक्षा का अपना सिलेबस या पाठ्यक्रम लागू कर सकता है, उसका पैटर्न बना सकती है कि उसको सेमेस्टर प्रणाली में एजुकेशन लेगी या उसको हाफ ईयरली और ईयरली, अद्वार्षिक और वार्षिक, इस प्रकार से एग्जाम, दो ही एग्जाम कंडक्ट करेगी, या वार्षिक या एक एग्जाम कंडक्ट करेगी एक वर्ष में। इस प्रकार की जो नीति है ये उस राज्य के ऊपर निर्भर होगी, वे राज्य करेगा, न कि केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया ये कि जो राज्य सरकार जो बनेगी या जिसे हम क्षेत्रीय सरकार कहेंगे, वे स्वतंत्र सरकार होगी, उसके ऊपर केंद्र सरकार कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। और देश की जो केंद्र की जो शक्तियां हैं, वे केंद्र की शक्तियां उन राज्यों में बांट दी जाएगी, जिनका कि दो इलाकों में क्षेत्रीय सरकार में होगी। दूसरा टॉपिक क्लियर, ये कदम उठाए। तीसरा कदम और कौन सा क्या उठाया, कौन बेल्जियम सरकार ने तीसरा कदम ये उठाया जिसको नाम है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार की मतलब जो कहता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, किस प्रकार से सामुदायिक सरकार, तीसरे स्तर की सरकार, क्योंकि दो स्तर होंगे, जो प्रथम स्तर होगा वहां पर केंद्र सरकार होगी, दूसरे स्तर की सरकार में राज्य या क्षेत्र सरकार होगी, और तीसरे स्तर की एक सरकार और बनेगी जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, कंपेयर करता हूं अपने भारत देश से, क्योंकि हमारा जो भारत देश है एक विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो अगर हमारे देश की कंपेयर करें बेल्जियम से, जैसे हमारा भारत देश के अंदर सरकार के तीन स्तर है। प्रथम स्तर है केंद्र सरकार जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, दूसरा स्तर है हमारी राज्य सरकार जो राज्यों में जो शासन व्यवस्था है, जिनकी शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार वहां के मुख्यमंत्री को है, सीएम को है, और तीसरा जो स्तर है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं या स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसे पंचायत राज कहते हैं, नगर पालिका की सरकार होती है, समझिए। तो ये तीन जो सरकार स्तर है, ऐसे ही तीन सरकार बेल्जियम ने अपनाए। उसने केंद्र सरकार दिया जैसे हमारे केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार जो हमारी राज्य सरकार है उसने उसमें क्षेत्र सरकार दिया, तीसरी सरकार जो हमारी स्थानीय सरकार है जिसे हम पंचायत राज सरकार कहते हैं, उसने उसको नाम दिया सामुदायिक सरकार। क्या दिया, सामुदायिक सरकार। शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत देश की और बेल्जियम की जो सरकार है उसमें आप समझ गए होंगे कैसे सरकार का उसने यानी कि एक स्तर बांटा, ताकि किसी प्रकार से आपस में डिस्प्यूट नहीं हो। तो तीसरे स्तर की सरकार जो बेल्जियम ने बनाई उसका नाम है सामुदायिक सरकार। तीसरे स्तर की सरकार कैसी सरकार होगी, तीसरे स्तर की सरकार
जो सामुदायिक सरकार होगी, जो किसी एक कम्युनिटी, एक समुदाय को यानी कि संरक्षण प्रदान कर रही है, तो किसी एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनेंगे, एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनेंगे, चाहे वे एक ही भाषा बोलने वाले लोग कहीं पर भी निवास कर रहे हों। जैसे क्योंकि बेल्जियम के अंदर तीन भाषाई लोग थे, डच, कुछ लोग ऐसे थे जो डच भाषा बोलते थे, जो पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी में थे, सबसे ज्यादा डच थे, और दूसरे नंबर थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और तीसरे में थे जो सबसे कम थे 1%, वे थे जर्मन भाषा। ऐसे नहीं है कि हमारे जो जर्मन भाषा बोलने वाले 1% कि उसको हम नजरअंदाज कर दें। अगर उसको हम नजरअंदाज कर देंगे तो वे हमसे नाराज होंगे, और हमसे नाराज होंगे तो धीरे धीरे नाराजगी हमारी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो हमारे मन मुटाव होंगे और देश में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में जो विभिन्न समुदाय है, कुछ हमारे लोग अल्पसंख्यक में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनको हम नजरअंदाज कर दें। हमारा भारत देश विभिन्न समुदायों का एक देश है, सब मिलजुल कर यहाँ प्रेम से रहते हैं और सरकार निर्माण करने में अपनी अपनी भागीदारी मनाते हैं, अपनी अपनी भागीदारी का सहयोग करते हैं। तो ऐसा हुआ बैंक डच फ्रेंच और जर्मन, चाहे जहां पर निवास करें, चाहे डच फ्रेंच जर्मन बेल्जियम के अंदर किसी भी इलाके में निवास करने वाले हो, चाहे बेल्जियम के उत्तर में रह रहे हो, दक्षिण में, चाहे पूर्व में या पश्चिम में, चाहे मिडिल पार्ट में या किसी आपके सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हो, कहीं पर भी बेल्जियम में रह रहे हो, वे अपनी सामुदायिक सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। अब देखो, जब हर व्यक्ति को मान सम्मान मिला है, उसको डिग्निटी मिल रही है, रेस्पेक्ट उसको मिल रहा है, सरकार बने ने उसको अधिकार दिया गया है, तो वहां पर फिर शांति होगी और अच्छे शासन चलेगा। और क्या उसका मेन उद्देश्य होगा, जो सामुदायिक सरकार बनाएगी, चाहे वे डच भाषा बोलने में की हो, चाहे वे फ्रेंच भाषा से संबंधित हो, चाहे वे जर्मन से हो, और चाहे वे कहीं पर भी निवास कर रही हो, वे अपनी संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि मसलों के ऊपर अपना निर्णय स्वयं लेगी। अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा के ऊपर स्वयं नियम बनाएगी, उसका संरक्षण करेगी। देखो कितना अच्छा है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग अगर अपनी सामुदायिक सरकार बनाएंगे तो 10 भाषा को संरक्षण प्रदान करेंगे, 10 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, कोई 10 से संबंधित कोई मसला होगा, इश्यूज हो गया तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग फ्रेंच इलाकों में अपनी फ्रेंच ही भाषा के आधार पर सरकार बनाएंगे, उसमें अपनी फ्रेंच भाषा को संरक्षण देंगे, संस्कृति को बढ़ावा करेंगे और उसमें रोजगार के अवसर देखेंगे, उनका फ्रेंच भाषा बोलने वालों का विकास करेंगे। इसी प्रकार से जर्मन इलाके में जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जा रही है, वे जर्मन लोग भी अपनी जर्मन भाषा के आधार पर एक सरकार निर्माण करेंगी, जिसमें अपनी संस्कृति को संरक्षण देगी, शिक्षा को संरक्षण देंगे, शिक्षा के नए नए नियम बनाएंगे, उसमें जर्मन लोग वहाँ पर जैसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे, आगे उन्नति करेंगे और उनकी संस्कृति को बचाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, रोजगार का अवसर देखेंगे केवल जर्मन। तो इस प्रकार से जब तीनों लोगों में अलग अलग सेपरेट उसको एक अधिकार दे दिए गए सामुदायिक सरकार के माध्यम से, किसके माध्यम से, कि सामुदायिक सरकार के माध्यम से, कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने समुदाय के आधार पर अपने जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, वे तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण कर सकते हैं और जिसमें अब स्वयं निर्णय ले सकते हैं और अपनी शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के साधन के ऊपर स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई।
तो देश में शांति व्यवस्था बन गई। नेक्स्ट है ब्रसेल्स में अलग सरकार, ब्रसेल्स में एक अलग सरकार का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अगर हॉल कंट्री में देखते हैं, पूरे बेल्जियम से अंदर हम देखते हैं, तो पूरे बेल्जियम के अंदर 10 लोगों की संख्या अधिक थी, कि डच जो लोग थे वे बहुसंख्यकवाद थे, मेजोरिटी जो लोग थे वे डच थे। लेकिन अगर हम बेल्जियम की राजधानी जो हमारे ब्रसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है, उसके अंदर फ्रेंच भाषाई लोगों की संख्या अधिक थी, फ्रेंच भाषा की मेजोरिटी अधिक थी, इसलिए एक अलग सरकार बनेगी जो एक राजधानी में होगी। क्या होगी? ब्रसेल्स में एक अलग सरकार का निर्माण होगा। उसमें क्या होगा? दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। दोनों समुदाय कौन से समुदाय? दोनों समुदाय है डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की केंद्र के अंदर जो सरकार होगी, या हम कह सकते हैं कि जो राजधानी में जो सरकार बनेगी, जो बेल्जियम की जो राजधानी जो ब्रसेल्स है, उस ब्रसेल्स में जो आपकी जो सरकार बनेगी, वे सरकार में दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा। ये नहीं है कि राजधानी ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है तो फ्रेंच भाषाई को अधिक उसको संरक्षण मिलेगा और डच को नहीं, ऐसा नहीं होगा। डच और फ्रेंच भाषा दोनों का समान प्रतिनिधि होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार में जो पूरे देश की जो सरकार बनेगी, पूरे आपकी बेल्जियम की सरकार बनेगी, तो पूरे बेल्जियम में जैसे डच लोग अधिक है तो फ्रेंच भाषा लोगों ने समान प्रतिनिधित्व किया है। इसी प्रकार से बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है, उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक है, तो ये नहीं कि फ्रेंच भाषा लोगों का ही प्रतिनिधित्व अधिक दिया जाएगा, उसमें डच लोगों का भी समान प्रतिनिधित्व होगा। ये कहावत होगी कि आप एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, एक हाथ लेना और दूसरे हाथ देना, कि अगर हम केंद्र की सरकार में डच लोग प्रतिनिधित्व अधिक है, डच लोग संख्या में अधिक है, तो फ्रेंच भाषा लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच यहां पर कम है। इसी प्रकार से बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा के लोग अधिक है, तो डच भाषा के लोग इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपस में शांति बने रहेगी, देश का ग्रोथ होगी, देश में उन्नति होगी। तो ये उसने एक तरीका अपनाया, जबकि ऐसा श्रीलंका ने नहीं बना। फिर क्या हुआ? बेल्जियम मॉडल बना, यूरोपियन संघ का मुख्यालय बनाया गया। जब बेल्जियम के जो सिटीजन्स थे, बेल्जियम के जो लोग थे, हम कह सकते हैं डच भाषा बोलने वाले फ्रेंच और जर्मन थे, इन तीनों ही भाषा लोगों की जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, एक बहुत ही सकारात्मक सोच थी, अपने देश को विखंडित होने से बचा लिया और इस प्रकार के एक कदम उठाए गए जिससे देश में एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। तो इस प्रकार के जब अच्छी व्यवस्था लगी तो यूरोपीय देशों का जो संघ, जो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोपीय के महाद्वीपीय देशों का जो संघ है, उसे ही हम यूरोपीय संघ के नाम से जाना। तो यूरोपीय देशों का जो एक संघ बना, जो यूनियन बना, चाहे वे व्यापार के लिए हो या शांति क्रिया के लिए हो या किसी दूसरे देश की सहायता करने के लिए हो या अपना एक संगठन बनाने के लिए मजबूत हो, तो उन देशों को क्या लगा, यूरोपीय संघ को क्या लगा कि हमें बेल्जियम को, बेल्जियम ने जैसे समझदारी का काम किया है, बेल्जियम जैसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए यूरोपीय संघ के लोगों ने, यूरोपीय संघ ने खुश होकर कि बेल्जियम के जो मॉडल है उसको यानी कि माना, और जो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसेल्स, जो बेल्जियम राजधानी है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में अपना यानी कि मुख्यालय बनाया। कहने का अर्थ है कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय जो था,
वे बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ही बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि बेल्जियम ने इतना अच्छा समझदारी से काम किया, अपने देश को ऐसी शासन व्यवस्था में ढाला जिससे विश्व के बहुत से देशों ने बेल्जियम से शिक्षा ग्रहण की कि हमें भी अपने देश को बचाना है, अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाना है तो हमें बेल्जियम के जैसे करना चाहिए, हमें आपस में मन मुटाव या आक्रोश पैदा नहीं करना चाहिए। इसलिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये ब्रसेल्स में किया। क्लियर होगा? लास्ट टॉपिक बताए इसमें बेल्जियम वासी श्रीलंका से क्या शिक्षा मिलती है। अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के अंदर इसके अंदर दो देश की केस स्टडी हमने पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका। तो इन दोनों देशों के अंदर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेल्जियम की तरह बेल्जियम के मॉडल को अपनाना चाहिए, क्योंकि बेल्जियम ने की तरह अपनाना चाहिए। अगर बेल्जियम की तरह अगर हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, चाहे वे डच भाषा बोलने वाला हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, उनको एक साथ लेकर चलेंगे तो एकता में शक्ति होगी, एकता में शक्ति होगी जैसे बेल्जियम में थी। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे, जैसे श्रीलंका में सिंधाला और तमिल अलग अलग बट गए थे, वहां पर उसकी एकता नहीं थी, तो इसलिए देश के टुकड़े हो गए, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, लाखों लोग के कत्ल हो गए, मर गए थे, देश छोड़कर चले गए थे, रोजगार आजीविका का जो साधन थे वे छूट गए थे, कितने कैसी बुरी हालत हुई थी। ऐसा नहीं, तो हमें बेल्जियम और श्रीलंका से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेल्जियम जैसे देश ने जो एक अच्छे कदम उठाए उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर विभिन्न समुदाय, भाषा, जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं तो सबको हमें समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उनके समान सबके अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, उनकी शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के समान अवसर प्रदान करने चाहिए, तब तो देश का स्थिति मजबूत होगी। लेकिन श्रीलंका की तरह नहीं, जैसे श्रीलंका में सिन्हेली जो भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी, जो लगभग 74 थी, और आपकी जो तमिलों की जो संख्या थी वे लगभग उसकी तमिलों की संख्या आपकी कम थी, तो उसमें दोनों में आपस में एक नाराजगी हुई, और वे नाराजगी धीरे 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 इतना तनाव का रूप ले लिया कि लास्ट में एक गृह युद्ध में परिणित हो गया, और गृह युद्ध में परिणित होने के बाद में जन और धन की हानि हुई जिससे देश के विभाजन की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति को हमें स्वीकार करना नहीं चाहिए। इसलिए बेल्जियम और श्रीलंका से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेल्जियम के मॉडल को अपनाना चाहिए, बेल्जियम जैसे देश से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपने देश को एकता में बनाए रखना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को देना चाहिए जिसमें एक लोकतांत्रिक देश मजबूत हो सके। क्लियर? तो आज की हमने वीडियो में यही पढ़ा कि बेल्जियम की समझदारी, सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम ने जो समझदारी का काम किया ये बहुत ही सराहनीय काम रहा, जिसको न केवल बेल्जियम जबकि बेल्जियम के एक मॉडल के रूप में उभरा और विश्व के जो लोकतांत्रिक जो देश है उसने बेल्जियम के मॉडल को अपनाया ताकि उस देश में भी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था चल सके। तो आज का टॉपिक यही था कि बेल्जियम के द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए जिससे वहाँ लोकतांत्रिक स्थिति मजबूत है। तो ये उसने चार कदम उठाए थे, केंद्र सरकार का बनाया, राज्य सरकार, क्षेत्र सरकार बनाई, समुदाय सरकार बनाई और ब्रसेल्स में अलग सरकार बनाई। तो आज हमारा ये टॉपिक था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना
और अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। और आप एंडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।